वहीं दिल्ली में रात को चंद घंटों की हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। छतरपुर इलाके में सड़कों पर कई किलोमीटर तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश सोनी ने। दिल्ली के छतरपुर डीएलएफ पे इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह से जो बारिश हो रही थी उसके बाद वाटर लॉगिंग है वो कितनी ज़्यादा है। जो सड़क देख सकते हैं कि आप पूरी तरीके से डूबी पड़ी है और जो गाड़ियां एक साइड से चल रही हैं, कुछ वाहन जो हैं रॉन्ग साइड चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नज़ारा किस तरीके का है, जल भराव है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों की जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर देखने को मिली कि किस तरीके से पोल खुल रही, क्योंकि वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है, जो गाड़ियाँ हैं उनके टायर डूबे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो बरसात हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन जिस तरीके से जो हमेशा दावे किए जाते हैं, सरकारी दावे किए जाते हैं कि जो जल भराव दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी पॉश इलाका है छतरपुर डीएलएफ पे इस समय मौजूद है। लेकिन यहाँ पे की जो स्थिति वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश हुई उसके बाद के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपचंद शर्मा के साथ राकेश सोनी, टोटल न्यूज़।